आज मैं आया हूँ बजाज के शोरूम में। तो अभी मैंने आपको वीडियो डाला था जिसमें मैंने पल्सर 200 का वीडियो डाला था, 200 RS का। इसमें मैंने उसके फीचर्स के बारे में आपको बताया था। तो उसके जो फीचर्स के बारे में बताने के बाद अभी मैं आया हूँ पल्सर 200 NS के पास से। तो मैं NS की जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, NS के क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। भाई चलते हैं पल्सर 200 NS के पास में और देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं इसके, और उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब ये बाइक पल्सर मार्केट में आई, आते ही मान इसने स्टंटबाजों के दिलों पर राज करना स्टार्ट कर दिया। और स्टंटबाजों के लिए बहुत प्रसिद्ध बाइक मानी जाती है, काफ़ी कंफर्ट होती है स्टंट के लिए यह बाइक। तो स्टंटबाजों के बीच में बहुत मशहूर हुई ये बाइक और आज भी बहुत मशहूर चल रही है। इसका जो नया लुक आया है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और इसका जो कलर है वो पहले से बहुत अच्छा है, और सामने से दिखने में ही ये बाइक एक मजबूत दिखती है। सामने से आप जब देखते हैं तभी इसका जो एनिमेशन है, जो इसकी क्रिएटिविटी है, ग्राफिक्स है, वो बहुत ही बेहतरीन है। 4 स्ट्रोक का 200 CC के साथ में लिक्विड कूल ट्रिपल स्पार्क का ये इंजन आपको देता है, जो कि आपको 23.5 PS की पावर और 18.3 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको देता है। सस्पेंशन की बात करें तो ये एंटी फ्रिक्शन ब्रश के साथ में आता है, नाइट्रो मोनो सॉक्स के साथ में। और इसी के साथ में जब डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो इसमें 280 mm का डिस्क लगा हुआ है और फ्रंट पे, और 230 mm का डिस्क जो है रियर पे लगा हुआ है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक होता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। 12 लीटर में आप काफ़ी दूरी तक जा सकते हैं। और हेडलैम्प की बात करें तो इसमें 12 वोल्ट का फुल DC MF हेडलैम्प है, जो कि आपको H4 ब्लूटिंग के साथ में मिलता है। और इसका हेडलैम्प जो है वो ऑटो हेडलैम्प है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का रूल है उसके मुताबिक आजकल सारी गाड़ी ऑटो हेडलैम्प के साथ में आ रही हैं, ताकि अभी दिन में भी लाइट ऑन रहती है, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे इसकी लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है। इसी के साथ साथ में बात करेंगे बाइक की लेंथ के बारे में। तो इसकी जो लेंथ है वो 2017 mm की है, और विड्थ इसकी जो है 804 mm की है। हाइट की बात करें तो 1075 mm की इसकी हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 167 ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। वेब बेस बात करें तो 1363 mm का वेब बेस है, और उसका वेट जो बाइक का है वो 152 किलोमीटर का है, जो कि मुझे याद आ रहा है कि ये वेट कुछ एवेंजर के वेट के जैसा ही है, क्योंकि मेरे पास एवेंजर है तो उसका वेट भी कुछ ऐसा ही है, तो वेट भी कुछ ऐसा ही है इसका। और बाकी ऑल ओवर पूरे लुक की बात करें, टायर्स की बात करें, जिस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये पूरी तरह से स्टंट बाजों के लिए है। स्टंट बाजों के लिए बहुत फेमस बाइक मानी जाती रही है ये, तो उस हिसाब से बाइक बहुत ही बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो तेज रफ्तार में बाइक चलाना पसंद करते हैं या फिर स्टंट यूज़ करते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इसकी पकड़ जो है, जो उसके टायर हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो पकड़ है वो रोड पे बहुत अच्छी है। जब ये बाइक रोड पे चलती है तो रोड को ये पूरी तरह से पकड़ लेती है, इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से कंफर्ट महसूस होता है चलाने वाले को। तो ये रहा पल्सर का रिव्यू, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये पूरा ऑल ओवर रिव्यू रहा पल्सर NS का। तो इसके बारे में बाकी जो इसका एक्सपीरियंस है मेरे साथ में, मैं टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में आपको बताऊंगा कि इस बाइक का जो पावर है वो चलाने पे किस तरह है और ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह चलाने पे किस तरह से चलता है। तो वो मैं आपको जब मैं टेस्ट ड्राइव लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। अभी जो नॉर्मली जो इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह थे उसके बारे में मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है। तो बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।